हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशरी रसोई। आज मैं आपके साथ मकर संक्रांति पर विशेष रूप से बनाई जाने वाली खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खिचड़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और मकर संक्रांति पर इसे बनाने का विशेष महत्व होता है। आज मैं मसालेदार खिचड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें हम बहुत सारी सब्जियों का यूज करेंगे जिससे ये खाने में और ज्यादा टेस्टी और हेल्थी हो जाती है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। चटपटी मसालेदार खिचड़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप भीगे हुए चावल। जितनी मैंने चावल लिए हैं उतनी ही दाल ली है, और इन दोनों चीजों को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, और भिगोने से पहले अच्छी तरह 2-3 पानी से धो लिया था। 1 छोटा सा गाजर बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मटर के दाने, 1 छोटे साइज का आलू जिसे बारीक काट लिया है और उसके बाद पानी में भिगो कर रख दिया है जिससे कि ये काला ना पड़े, 1 टुकड़ा फूल गोभी और उसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है, साथ ही हम यूज करेंगे 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटे साइज का आधा बैगन और उसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है, नमक टेस्ट के हिसाब से 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मस्टर्ड सीड यानी कि राई, और 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून यूज करेंगे अमचूर पाउडर, 1 पिंच हींग, 2 टेबलस्पून देसी घी, और आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को इसमें करी पत्ते का फ्लेवर भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे यहाँ पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैं करी पत्ता नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको करी पत्ते का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली और बहुत ही टेस्टी ये मसालेदार खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर मैंने एक प्रेशर कुकर रख दिया है, और प्रेशर कुकर के अंदर हम ये देसी घी डाल देंगे, थोड़ा सा घी हम रोक लेंगे। जैसे ही घी अच्छे से गर्म होता है उसके अंदर हम ये राई और जीरा डाल देंगे, राई और जीरे को फूटने देंगे। अगर आप खिचड़ी में प्याज पसंद करते हैं तो आप इसके बाद प्याज डाल सकते हैं, इसमें प्याज भी बहुत टेस्टी लगती है। अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे जिसे कि मैंने एकदम बारीक काट लिया है। अदरक और हरी मिर्च अच्छे से भून गए हैं, इसके बाद हम इसमें ये कटे हुए आलू डाल देंगे, और चावलों की बाटी हम ये मटर डाल देंगे, फूल गोभी, गाजर, कटा हुआ बैगन। सब्जियां आप अपने मन से ले सकते हैं, आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, सेम डाल सकते हैं, सब्जियां आपको जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ये नमक डाल देंगे, लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर। इसके बाद हम पानी में भीगे हुए ये दाल और चावल खिचड़ी में डाल देंगे। जब हम चावल बनाते हैं तो हम उसमें 1 कटोरी में 2 कटोरी पानी का यूज करते हैं, और खिचड़ी के लिए हम 4 कटोरी पानी का यूज करते हैं। मैंने इसमें ये 4 कटोरी पानी डाल दिया है, और खिचड़ी बनाने के लिए मैंने आधी दाल और आधे चावल का यूज किया है। आप चाहें तो चावल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाकर दाल की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं। मैंने खिचड़ी बनाने के लिए जितनी दाल ली थी उतने ही चावल लिए हैं, आप चाहें तो दाल थोड़ी सी कम ले सकते हैं। सब चीजें एक साथ अच्छे से मिलाने के बाद में हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको 1 सीटी आने तक पकने देंगे, उसके बाद प्रेशर को अपने आप खुलने देंगे। और देखिए कुकर में प्रेशर अच्छे से बन गया है। एक बार इस तरीके से हम कुकर को उठाकर हिला देंगे, बस फिर से गैस पर रख देंगे और 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आ चुकी है और मैंने गैस को बंद कर दिया है, और बस अब आप देख सकते हैं कि प्रेशर निकल गया है। ये बाद गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर एक तड़का पैन रख देंगे, और तड़का पैन में हमने जो घी रोका था वो घी डाल देंगे, और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और जैसे ही घी गर्म होता है उसके अंदर 1 पिंच हींग डाल देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर का भी ढक्कन खोल देंगे। और देखिए एकदम बहुत ही अच्छी खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है।
और उसके बाद में हमने ये जो तड़का बनाया था ये खिचड़ी पर डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे फिर से ढक देंगे जिससे हींग की खुशबू हमारी खिचड़ी में हो जाए। इसके बाद में ये अमचूर पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस खिचड़ी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हरा धनिया डाल देंगे। मथुरा वृंदावन में जो ठाकुर जी का बाल भोग बनाया जाता है वो भी इसी तरीके से बनाया जाता है और वास्तव में ये खिचड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे मकर संक्रांति पर बना सकते हैं। एकदम गर्मा गर्म और बहुत ही टेस्टी हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। अपने आप में ये एक पूरा खाना है। आप इसे सिर्फ दही के साथ सर्व कर सकते हैं और बनाने में मात्र 5 से 7 मिनट लगते हैं और हमारी ये खिचड़ी तैयार हो जाती है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। ये हमारी बहुत ही टेस्टी और एकदम गर्मा गर्म खिचड़ी बनकर तैयार है। मैंने इसे बनाने में देसी घी का यूज किया है, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।